आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 2022 के सीजन का भविष्य अभी अधर में है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी और इसके नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस बीच आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी एक्टिव होने लगी है। आरपी संजीव गोयकना समूह के मालिकाना हक वाली लखनऊ की टीम ने ट्विटर पर डेब्यू कर लिया है। जी हाँ, हालांकि समूह ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट के ही ट्विटर अकाउंट को टीम लखनऊ आईपीएल के नाम से बदल दिया है। इस डिजिटल डेब्यू पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी ट्वीट किया और टीम को चेतावनी दी है। आइए सबसे पहले जानते हैं लखनऊ फ्रेंचाइजी सोशल मीडिया पर कैसे हुई एक्टिव। आपको बता दें कि राइजिंग पुणे के ट्विटर अकाउंट को लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम के नाम से बदला गया है। इस नई आईपीएल की टीम ने अपना पहला ट्वीट किया है, जिसमें लिखा था कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। इस पर यूपी के पुलिस चुटकी लेते हुए ट्वीट का रिप्लाई करती है, जिसमें यूपी पुलिस कोविड के प्रोटोकॉल एवं अन्य नियमों को मानने की बात कहती है। आईपीएल के लखनऊ टीम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डेब्यू तो कर लिया है, इस पर यूपी की पुलिस ने भी लखनवी अंदाज में आईपीएल के लखनऊ की टीम को जवाब दिया है। तो आइए जानते हैं कि यूपी पुलिस ने आईपीएल की नई टीम को क्या जवाब दिया। आपको बता दें कि यूपी की पुलिस ने पहले तो आईपीएल के नए फ्रेंचाइजी का स्वागत किया और फिर बाद में चुटकी लेते हुए ये भी ट्वीट कर दिया कि डिजिटल डेब्यू पर आपका स्वागत है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोविड के समय में पहले आप नहीं चलता है। अगर लखनऊ में मुस्कुराना है तो आपको सुरक्षित रखना जरूरी है। यूपी पुलिस के इस ट्वीट ने यह दर्शाया है कि कोविड के इस महामारी में सभी को अपनी जिम्मेदारी दिखाना पड़ेगा। केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि इस बार तो गुजरात की अहमदाबाद को भी आईपीएल में डेब्यू करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ के अलावा अहमदाबाद की टीम भी आईपीएल के इस नए सत्र में नजर आएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी आईपीएल और इस टूर्नामेंट के आयोजकों से इन दोनों टीमों को हरी झंडी मिल चुकी है। लखनऊ और अहमदाबाद की टीमों के नाम अभी तय नहीं है, ना ही कोई लोगो तय है। अभी दोनों टीमों के पास मेगा ऑक्शन से पहले 3-3 खिलाड़ियों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लखनऊ की टीम में केएल राहुल, राशिद खान और युजवेंद्र चहल का आना तय हो गया है। वहीं अहमदाबाद के बारे में भी कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर और हार्दिक पांड्या का इस टीम में आना तय हो गया है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सभी आईपीएल प्रेमी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों टीमों की डिटेल के बारे में कब औपचारिक ऐलान होगा। खासतौर से मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आ रही है कि 12 से 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन हो सकते हैं। ऐसे में आईपीएल प्रेमियों की उत्सुकता और बढ़ गई है। आपको ये भी बताते चलें कि लखनऊ आईपीएल टीम को अक्टूबर में संजीव गोयकना के आरपीएसजी ग्रुप ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। इस टीम ने अपने हेड के रूप में एंडी फ्लावर को नियुक्त किया है। इसके साथ ही टीम ने मेंटर के रूप में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज गौतम गंभीर को जिम्मेदारी दी है। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है, अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और देखते रहिए द फुलझड़ी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।